जिसको शंकर भगवान माँ भगवती के पैर के अंगूठे के नकुल में समाये हुए हैं। सच्चे दरबार की जय, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी भैया की जय, मात्रा स्वरूपी भैया की जय। पैर के अंगूठे के नख में जब तीनों देवों ने दृश्य देखा तो अचंभित हो गए कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों विष्णु है, हमारे जैसे लाखों करोड़ों ब्रह्मदेव है, हमारे जैसे तो लाखों करोड़ों शिव है। ये पराशक्ति है, हम सब की शक्ति है, इसका पार किसी ने नहीं पाया। और लेट गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे, माँ भगवती को बारंबार धन्यवाद करने लगे कि हे माँ भगवती, बहुत कृपा हुई कि हमें तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ। बोलो जगदम्बा मैया की जय। तीनों देवों का अहंकार समाप्त हो गया माँ भगवती की इस लीला से। आइए हम सब भी माँ भगवती को इस चंडी चरित्र के साथ मनाएं। और जिसको भी ये चरित्र आता है वो मेरे साथ गुनगुनाए और हाथ जोड़कर हम सभी इस पाठ को पढ़ें, ध्यानपूर्वक सुने। क्योंकि कहते हैं चंडी चरित्र का पाठ जो कोई भी अपने घर में रोज करेगा वो सभी संकटों से दूर होता रहेगा। अगर संकट आ भी गया तो पता भी नहीं चलेगा कब से वो संकट आ गया। माँ भगवती की असीम कृपा उस भक्त पर होती है। और कहते हैं दुर्गाशक्ति का यदि पाठ ना पढ़ पाए तो चंडी चरित्र का हम पाठ पढ़ सकते हैं। बोलो चंडिका मैया की जय, दक्षिणेश्वर मैया की जय, दक्षिण काली मैया की जय, दस महाविद्याओं की जय, ललिता त्रिपुर सुंदरी मैया की जय, माँ शूलेश्वरी मैया की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, गुरु बालाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। आइए चंडी चरित्र श्रीमान सत्पुरुषाय शशि